हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज़ बुशरा खान आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग स्किल्स का टॉपिक सिक लीव एप्लीकेशन अब क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड आपको क्या आता है सो so, क्वेश्चन है आपका राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर टू डेज लीव या फॉर ऑप्टेनिंग सिक लीव सो ये हो गया आपका क्वेश्चन आप देखिए इसका फॉर्मेट सबसे पहले आप लिखिए टू कॉमा द प्रिंसिपल अब इसके नीचे आप डालिए अपने स्कूल का नाम सो so, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप लिख दो मैं डाल देती हूँ स्प्रिंग स्कूल न्यू डेली इसके बाद आप डेट डालिए जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस दिन की डेट डाल दीजिए अब डेट के बाद आप लिखिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट मीन्स आप ये एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं सो so, आपको छुट्टी चाहिए सो so, यही आप लिख दीजिए आप लिखिए एप्लीकेशन फॉर सिक लीव सिंपल सा सब्जेक्ट आपने डाल दिया इसके बाद आप लिखिए सैल्यूटेशन मीन्स रिस्पेक्टेड सर या मैडम इसके बाद आती है बॉडी सो बॉडी के लिए आप ये तीन चार लाइन्स रट लो आपको एग्जाम्स में लिखने के लिए आएगी तो आप ये लाइन्स लिख देना आप लिखिए आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट मीन्स आपने बोला कि मैं कहना चाहता हूं कि मुझे लास्ट नाइट से फीवर है फिर आप लिखिए आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल मीन्स मैं स्कूल नहीं आ सकता मैं स्कूल आने के योग्य नहीं हूँ फिर आप बता दीजिए द डॉक्टर हैड एडवाइज मी टू टेक टू डेज रेस्ट मीन्स आपने बोला कि डॉक्टर ने मुझे दो दिन आराम करने के लिए कहा है इसके बाद आप लिखिए सो काइंडली ग्रेंड मी लीव फ्रॉम डैश टू डैश आप डैश में आप डेट डाल दो कब से कब तक आपको छुट्टी चाहिए फिर आप लिखिए योर्स ओबीडेंटली इसके नीचे नेम क्लास रोल नंबर आप डाल दीजिए और आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट। सो ये थी सिकलीव एप्लीकेशन एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर